Good morning, all the viewers. Today we will discuss our next chapter in the sequence, that is money and its supply. This is our next chapter, lesson number 3, which I have made according to your convenience. In this chapter, the first thing is that money. तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि व्हाट इज मनी. मनी की डेफिनेशन कहीं प्रॉपर आपको नहीं मिलेगी बिकॉज इसकी डेफिनेशन कहीं प्रॉपरली लिखी ही नहीं गई. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट इज मनी. तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, हम उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं. जैसे कि एक डेफिनेशन दी गई थी बहुत पहले आज से, मनी इज व्हाट मनी डज. अभी डेफिनेशन दी गई थी एफ ए वॉकर के थ्रू, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, इन विच ही सेड दैट मनी इज व्हाट मनी डज. यानी सिंपली मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे. मुद्रा मतलब मनी, तो पैसा वही जो पैसे का कार्य करे. हर वो चीज़ जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम पैसे वाला काम कर सकते हैं, उसको मनी बोला गया इनकी डेफिनेशन के हिसाब से. बट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट 100% करेक्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो. सो अदर इकोनॉमिस्ट केम एंड हैज़ गिवन अदर द डेफिनेशंस. तो वन डेफिनेशन विच आई लाइक द मोस्ट इज दिस दैट मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड स्टोर. अब ये जो डेफिनेशन है, इट इज़ बहुत खोजने के बाद मुझे डेफिनेशन मिली थी, तो मैंने इसको अपना ही टैग मार्क दे दिया कि डेफिनेशन मैंने खोजी है. तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी मनी की हो गई कि मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड स्टोर. ये चार चीज़ें हैं इसमें. तो यही चारों को हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो नोन एज फंक्शंस ऑफ मनी. इसी को हम फंक्शंस ऑफ मनी भी कहते हैं. आज का हमारा वीडियो केवल मनी यानी इस फंक्शंस पे ही बेस रहेगा, फिर आगे का चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे. तो सबसे पहली बात, मनी इज द, इसको आप चाहें तो राइमिंग वर्ड्स की तरह पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पोएम पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं कि मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड स्टोर. फिर से मैं कहता हूँ, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड स्टोर. कंप्लीट डेफिनेशन है बिल्कुल. एक बार आपको ये डेफिनेशन अगर याद हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने हो जाएगी. तो एक एक चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि मनी एक मैटर होता है चार फंक्शंस को मिला के. तो पहला फंक्शन इसमें बोला गया है कि इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कई सारे इकोनॉमिस्ट ने केवल इसी एक फंक्शन को लेकर पूरे मनी को डिफाइन किया है. नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू. देन द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स एंड द लास्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू. अब इन चारों फंक्शंस को अगर हम गो थ्रू कर लेंगे, इन चारों फंक्शंस को अगर हम पढ़ लेंगे, तो वी वुड मेक क्लियर अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी एंड द डेफिनेशन विच आई हैव प्रोवाइडेड अबव. तो फर्स्ट फंक्शन इज दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहली बात को मनी को एज अ मीडियम, मीडियम मतलब होता है माध्यम, मतलब किसी भी एक्सचेंज का, एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली करना. तो किसी भी एक्सचेंज का जो माध्यम रखा गया वो किसे रखा गया था, वो रखा गया किसको, मनी को. आज से कई सौ साल पहले हम लोग स्टार्टिंग जब मनी की करते, तो हम लोग मनी नहीं था हमारे पास, तो हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते, इसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था. लेकिन बाद में कुछ समय बाद वो सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि अब भाई 10 किलो आलू के बराबर अगर हम एक प्याज देंगे तो सिस्टम तो फेल ही हो जाएगा. तो इस वजह से अब जब मीडियम, जब मनी आया, तो मनी का बोला गया कि इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानेंगे. यानी इफ एनी ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी, देन इन रिटर्न वी विल गेट और वी विल टेक मनी ओनली. तो मनी हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देन द नेक्स्ट इज दैट मेजर ऑफ वैल्यू. अब मेजर ऑफ वैल्यू की बात की जाए, तो किसी भी वैल्यू, आज के समय में हम किसी भी चीज़ के मेजरमेंट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका मेजरमेंट जो भी होगा वो मनी में ही होगा. यानी मेजरमेंट की बेसिस को, इसका कौन सा बेसिस रखा गया, तो बेसिस रखा गया पैसा. अब हमारे यहाँ रुपया चलता है तो हम रुपये में करेंगे, अगर हम अमेरिका में होते हैं तो हम डॉलर में करते, हम यूरोप में होते तो यूरो में करते, जहाँ होते वहाँ की
उसमें करते हैं, करेंसी में करते हैं। यानी ये हो गया आपका दूसरा कि मनी को यूज़ किया गया एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू के लिए मनी। जैसे हमने बोलते हैं 3 रुपये वाला पेन, 5 रुपये वाला पेन, तो 5 रुपये वाला मतलब क्या वो। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड शब्द का मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर पेमेंट्स थे वो मनी की वजह से पॉसिबल हुए। इट वॉज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम बिकॉज कमोडिटीज़ और गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्यूचर पेमेंट्स अगर हमने किसी को वादा किया है कि हम अगले साल आपको 1 लाख रुपये देंगे, तो अगर कमोडिटी मनी में होते हम लोग तो 1 लाख रुपये तो नहीं देना था, 1 लाख का सामान देना था। अब वो सामान हम कब से रखते, कैसे रखते, क्या रखते, वो बड़ा समस्या आ रहा। तो इस वजह से उसके बदौलत अगर हम पैसे को ही रख लें तो दैट इज़ मोर एफिशियंट। नेक्स्ट बोला गया स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी सेम है कि मनी को स्टोर कर पाना। अभी हमने कहा, अभी मैं कह दूं कि आप 1 लाख रुपए का जो है कॉटन आप स्टोर करिए, तो 1 लाख रुपए कॉटन स्टोर करने में उतना टाइम लग जाएगा जितना कि पूरा का पूरा हमारा घर भी ऑक्यूपाई होगा, उसके बाद रिसोर्सेज चाहिए, फिर सामान चाहिए, सारा कुछ लगेगा। लेकिन 1 लाख रुपए को स्टोर करना हो तो आप हम ईजिली कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए फंक्शंस ऑफ मनी। पहला हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माध्यम होता है पैसा, माध्यम आज के डेट में माना गया हर एक एक्सचेंज प्रोसेस का। मेजर ऑफ वैल्यू, सारे जो भी चीज़ें हैं सबकी वैल्यू मनी में मेजर होने लगी। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स यानी फ्यूचर पेमेंट्स के लिए हम मनी को यूज़ करने लगे बेटर तरीके से। और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हम कोई भी सामान को स्टोर करने से बेहतर उस सामान के रिफ्लेक्ट में पैसा स्टोर कर लें, दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड मोर बेनिफिशियल। तो ये आपके हो गए फंक्शंस ऑफ मनी। अब डेफिनेशन एक बार फिर आप देख लें, मनी इज़ द मैटर ऑफ फंक्शंस 4, यानी ये जो 4 फंक्शंस नीचे मैंने बताए हैं, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। सो इस डेफिनेशन के थ्रू आई थिंक दैट द डेफिनेशन पार्ट ऑफ मनी इज़ क्लियर। आप उसके अलावा डेफिनेशंस और पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे डेफिनेशंस के लिए बताई गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कहाँ से हुआ, मनी सप्लाई क्या होती है, फंक्शंस को और थोड़ा डीप में देखेंगे, फिर ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।